अमर सिंह ने एसपी नेता आजम खां पर भी हल्ला बोला। उन्होंने आजम खां को सबसे बड़ा गुंडा बताया। कहा, आजम खां ने मेरी बेटियों पर टिप्पणी की है। अमर सिंह ने कहा कि अखिलेश यादव को राहुल गांधी से कुछ सीखना चाहिए। राहुल गांधी के पद चिन्हों पर चलकर अखिलेश को आजम खां को निकाल देना चाहिए। अमर सिंह ने कहा कि अब मुलायम और शिवपाल से भी बात नहीं करता हूं, मुझे भारी कह गया था। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव पार्टी में हो रही उपेक्षा से काफी नाराज हैं, जिसके बाद उन्होंने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाया है। इस मोर्चे के जरिए वे पार्टी में उपेक्षित लोगों को काम भी दे रहे हैं। शिवपाल सिंह यादव ने इशारों ही इशारों में पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव पर भी निशाना साधा और कहा कि बड़ों का सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए, लेकिन उन्हें पार्टी के किसी भी कार्यक्रम में बुलाया नहीं जाता। शिवपाल ने कहा कि वो तो चाहते हैं कि पूरा समाजवादी पार्टी एकजुट रहे, जिसके लिए वे लगातार प्रयास भी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा बनाने का ऐलान करते ही उनका विरोध भी शुरू कर दिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने शिवपाल यादव के समाजवादी सेक्युलर मोर्चे का विरोध किया है। शिवपाल यादव ने समाजवादी सेक्युलर मोर्चा का गठन करते हुए आह्वान किया है कि जिन नेताओं को समाजवादी पार्टी में सम्मान नहीं मिल रहा, वो उनके साथ जुड़ सकते हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अमर सिंह और शिवपाल सिंह यादव के हमलों और बयानों के बाद अब बीजेपी पर शक जताया है। उन्होंने इशारों इशारों में कहा कि कहीं इन सबके पीछे बीजेपी का हाथ तो नहीं। वही अखिलेश यादव ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की सबसे बड़ी खासियत मुद्दों से ध्यान भटकाना है। हमारी जिम्मेदारी है कि मुद्दे से ध्यान न हटे। यूपी विधानसभा में विपक्ष की अनुपस्थिति में अनुपूरक बजट पास हो गया है। मॉनसून सत्र के चौथे दिन सीएम योगी ने सदन को संबोधित किया। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि हम सभी वर्गों के लिए काम कर रहे हैं और जनता को अंधेरे में रखने वाले सदन से भाग गए। सदन में अनुपूरक बजट पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि ये योगी सरकार का अभी तक का सबसे बड़ा अनुपूरक बजट है। हम किसानों की बेहतरी के लिए प्रतिबद्ध हैं और हमने किसानों की मांगों को पूरा किया है। सीएम योगी ने अपने संबोधन में कहा कि हम किसानों को ध्यान में रखकर योजनाएं बना रहे हैं। इसके साथ ही किसानों की बेहतरी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी भी की जा रही है और किसानों का कर्ज भी माफ किया गया। सीएम योगी ने कहा कि बीजेपी सरकार ने गन्ना किसानों को सबसे ज्यादा भुगतान हमारी सरकार ने किया है और इसका नतीजा ये रहा कि प्रदेश में गन्ना उत्पादन बढ़ा, जबकि पहले गन्ना किसानों का शोषण होता था। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश की प्रगति का अंदाज इस बात से लगाया जा सकता है कि इस बार 120 लाख मीट्रिक टन चीनी का उत्पादन हुआ। वहीं उन्होंने किसानों को राहत देने वाली खबर भी दी है। सीएम ने कहा कि ऋण माफी की आखिरी किश्त बजट में दी जाएगी। वही एनआरसी पर असम सरकार की तारीफ करते हुए सीएम ने कहा कि ये कदम सही था और घुसपैठियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीएम योगी ने विपक्ष के गठबंधन पर भी निशाना साधा। सीएम ने कहा कि सांप का बच्चा सांप ही होता है, नेवला नहीं होता, खुद भी खाते हैं ठोकर और दूसरों को भी गिराते हैं। सीएम योगी ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि उनकी हालत बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने जैसी हो गई है। एसपी खुद कहती है कि राहुल गांधी कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते और वो गठबंधन की बात करते हैं। सीएम योगी ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष ने अपने शासन में पिछड़ों को दबाया है। उन्होंने कहा कि चीनी मिल मालिक और सत्ता मिलकर किसानों का शोषण करते थे। वहीं से पहले विधानसभा सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई की शुरुआत हंगामेदार रही। कांग्रेस के सदस्यों ने वेल में खड़े होकर जमकर हंगामा किया और सरकार विरोधी नारे लगाए। कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता अजय कुमार लल्लू ने तटबंध से बांध के कटान और फसलों के नुकसान पर सरकार से जल्द मुआवजा देने की मांग कही है। उनके सवालों पर जवाब देने के लिए मंत्री स्वाति सिंह सदन में मौजूद नहीं थी, जिसके बाद हंगामा और भी बढ़ गया।
विधानसभा में कांग्रेस सदस्यों ने बाढ़ में सरकार की तरफ से नाव की व्यवस्था न करने का आरोप लगाया और सदन में कागज की नाव को दिखाया। पीएम मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के सभी प्रकोष्ठों के प्रमुखों से किया संवाद। नमो ऐप के जरिए पीएम मोदी ने संवाद कर दिया मिशन 2019 की जीत का मंत्र। वाराणसी के लोगों से बातचीत में पीएम मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत के तहत 10 करोड़ करीब आधी आबादी को मुफ्त स्वास्थ्य सुविधा मिलेगी। पीएम मोदी ने कहा कि बीएचयू का विकास भी एम्स की तर्ज पर किया जाएगा और बीएचयू अस्पताल देश के सबसे अच्छे अस्पतालों में से एक बनेगा। पीएम मोदी ने वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ता से कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए सीजीएचएस डिस्पेंसरी खोली गई है। पूर्व सैनिक के सवाल पर पीएम मोदी ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन से सेना के जवानों के बीच सकारात्मक परिवर्तन आया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल के सवाल पर पीएम मोदी का जवाब, अपने मोबाइल से छोटे छोटे सकारात्मक वीडियो रिकॉर्ड करें और सोशल मीडिया पर शेयर करें। नक्सली समर्थक विचारों की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने वाले राहुल गांधी को सरकार का जवाब, राष्ट्रीय सुरक्षा को सियासत से ऊपर रखे राहुल। पूछा जिन नक्सलियों को मनमोहन सिंह ने बताया था खतरा, उनके समर्थन में क्यों है राहुल। राहुल गांधी ने कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने की तैयारी कर ली है। केरल दौरे से लौटने के बाद राहुल गांधी 31 अगस्त को कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाएंगे। खबरों के मुताबिक राहुल नेपाल के रास्ते से नहीं जाएंगे बल्कि चीन के रास्ते से जाएंगे। कर्नाटक चुनाव के दौरान जहाज के अचानक कई हजार फीट नीचे आने पर राहुल गांधी ने कहा था कि उन्हें भगवान शिव याद आ गए थे और उन्होंने कैलाश मानसरोवर जाने की ठान ली। इलाहाबाद में आयोजित होने वाले कुंभ मेले के श्रद्धालुओं के मनोरंजन का भी खूब ध्यान रखा जा रहा है। कुंभ में 40 दिन तक सांस्कृतिक कार्यक्रम होंगे। मंगलवार को लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल की अध्यक्षता में उत्तर मध्यम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र को कार्यकारिणी परिषद एवं शासक निकाय की बैठक में ये निर्णय लिया गया। संबल उपचुनाव में यूपी की राजमंत्री गुलाब देवी की बेटी साक्षी को एसपी उम्मीदवार ने जिला पंचायत सदस्य के चुनाव में हरा दिया है। राजमंत्री की बेटी के हारने पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा काटा। अध्यक्ष ने फिर मतगणना की मांग की है। फर्रुखाबाद के कोटा देव प्राथमिक विद्यालय की शिक्षिका बच्चों से बाजार से राशन मंगवाती हैं। किसी ने ये राशन ढोते बच्चों का वीडियो बनाया और वायरल कर दिया। आज भी यूपी उत्तराखंड की टीम इस वीडियो की पड़ताल करने स्कूल पहुंची तो शिक्षक स्कूल छोड़कर भाग खड़े हुए और बच्चे अनाज लेकर बाहर टहल रहे थे। गाजियाबाद में निजी स्कूलों की मनमानी बढ़ती जा रही है। शास्त्री नगर के सेंट मेरी स्कूल में एक पिता अपने बच्चों को लंच बॉक्स देने गया तो प्रधान ने उसे स्कूल से ही बाहर निकाल दिया। पिता के मुताबिक बच्चे को गैस और एसडी बनाने की दिक्कत है जिसके इलाज भी चल रहा है, इसलिए वे समय से अपने बच्चों को लंच बॉक्स देने पहुंचे थे लेकिन स्कूल के स्टाफ ने लंच बॉक्स लेने से साफ मना कर दिया। नोएडा के सेक्टर 51 के जंगल को बचाने को लेकर स्थानीय लोगों ने संघर्ष शुरू कर दिया है। नोएडा अथॉरिटी इस जंगल की जगह बायोडायवर्सिटी पार्क बनाने जा रही है जिसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। महोबा में बारिश के मौसम में भी ग्रामीण पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे हैं जिसमें गुस्साए ग्रामीण ने सड़क जाम कर जमकर हंगामा किया। महिलाओं का कहना है कि हमें सप्लाई वाला पानी चाहिए क्योंकि टैंकर आता है तो दबंग कब्जा कर लेते हैं। पहाड़ों पर हो रही भीषण बारिश के चलते बैरोजो से 3.5 लाख क्यूसेक पानी छोड़े जाने से मैदानी इलाकों में बाढ़ को लेकर दहशत पैदा हो गई है। शाहजहांपुर में एसपी और डीएम ने बाढ़ संबंधित इलाकों का दौरा किया और अधिकारियों को अलर्ट रहने का निर्देश भी दिया। बिजनौर में गंगा के लगातार बढ़ते जल स्तर से 30 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। जिले की मुख्य सड़कों और हाईवे पर 3-3 फीट पानी भरा हुआ है। जिलाधिकारी ने ट्रैक्टर पर सवार होकर अपनी टीम के साथ बाढ़ पीड़ितों का हाल जाना और हर संभव मदद की बात कही।
पीलीभीत के बीसलपुर में बरेली जाने वाले लोग आजकल जान हथेली पर रखकर यात्रा कर रहे हैं। दरअसल यहां के बिलसपुर बरेली रोड पर देवा नदी पर नया पुल बना था, लेकिन प्रशासन ने नया पुल बनाने से पहले से ही पुराने पुल तोड़ दिए, जिस वजह से लोग यहां पर लोहे का गाटर डालकर देवा नदी पार कर रहे हैं। इलाहाबाद के सबसे महफूज माने जाने वाले इलाके में से एक सिविल लाइंस में कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता की गाड़ी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी है। फायरिंग की आवाज सुनकर सिविल लाइंस इलाके में अफरातफरी मच गई और बदमाश लगातार फायरिंग करते हुए मौके से फरार हो गए। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू कर दी। बीजेपी नेता ने आरोपियों के खिलाफ इलाहाबाद सिविल लाइंस थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने इलाहाबाद के मदोपुर में रहने वाले एक आदमी का नाम लिया है और उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। हमला करने वालों से अपना जान का खतरा बताते हुए उन्होंने पुलिस से दूसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस के मुताबिक दोनों पक्षों के बीच पहले से ही विवाद है, इसी वजह से वारदात को अंजाम दिया गया। बागपत में बदमाशों की दहशत के चलते दो दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने नौकरी छोड़ दी है और घर आकर सुरक्षा में जुट गए हैं। दरअसल ग्रामीणों का कहना है कि इलाके में कच्छा बनियान गिरोह का जबरदस्त आतंक है, ऐसे में वो बारी बारी से लाठी डंडों से लैस होकर टोलियों में प्रहार करते हैं। ग्रामीणों ने कई बदमाश को पकड़कर पुलिस के हवाले भी कर दिया। गाजीपुर में पशु चिकित्सा अधिकारी की रिश्वतखोरी का ऑडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि सदर ब्लॉक डीलिया की रहने वाली शांति देवी का कुछ वर्ष पहले निधन हो गया था। वारसी अस्पताल में 1.5 लाख रुपए का क्लेम परिवार के सदस्यों को मिलना था। आरोप है कि मेडिकल क्लेम के भुगतान की एवज में परिजनों से रिश्वत मांगी गई। कौशाम्बी में टोल प्लाजा के डीपीएम को धमकी का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिस पर एसपी ने कड़ी कार्रवाई के आदेश दिए हैं। आरोप है कि टोल प्लाजा के डीपीएम को सोमवार को फोन पर धमकी मिली थी, ढाबा वाले की गाड़ियां चलाने के लिए दे गए, अगर उनसे पैसे लिए गए तो अंजाम बुरा होगा। डीपीएम की तहरीर के बाद जांच पड़ताल शुरू हो गई। फरुखाबाद में पुलिस ने एक नाबालिग को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। वीडियो वायरल होने पर अब पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। किशोर न्याय बोर्ड के मोहम्मद कोतवाल को नोटिस जारी कर इस मामले में स्पष्टीकरण मांगा है। गांव मौधा और नरैया में मवेशियों को चराने का लेकर दो पक्षों में मारपीट और फायरिंग हुई थी। गाजियाबाद में गायब हुई एक नाबालिग संदिग्ध अवस्था में नशे की अवस्था में मिली है। नाबालिग को अस्पताल में भर्ती करवाया गया, परिवार वाले रेप की आशंका जता रहे हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। घटना विजयनगर इलाके की। सीतापुर में दलित नाबालिग के साथ रेप की घटना सामने आई है। पूरा मामला संदना इलाके का है। पीड़ित परिजनों के मुताबिक उनकी बेटी जंगल में बेहोशी की हालत में संदिग्ध अवस्था में मिली, जिसके बाद उसे महिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। परिजन गांव के ही एक लड़के पर घटना को अंजाम देने का आरोप लगा रहे हैं। सूचना मिलने पर मौके पर आलाधिकारी पहुंचे और पीड़िता का मेडिकल करवाकर FIR दर्ज करवाया। मऊ में गोसी के अमिला इलाके में सनसनीखेज वारदात सामने आई है। पास के एक गांव में दिव्यांग बच्ची के साथ गांव के ही रहने वाले युवक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। आरोपी युवक के खिलाफ पहले से ही कई आपराधिक मामले दर्ज है। आरोपी युवक पर इलाके में दबंगई करने के भी आरोप है। हालांकि केस दर्ज कर लिया गया है, लेकिन अभी तक आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई। मुजफ्फरनगर में मंचलों से तंग आकर स्कूल की कई छात्राओं ने स्कूल जाना ही बंद कर दिया है। घटना थाना चरथावल क्षेत्र की है, जहां पर स्कूल जा रही स्कूली छात्राओं से कुछ मंचलों ने छेड़छाड़ की, जिससे तंग आकर छात्राओं ने शोर मचा दिया। छात्राओं के शोर पर वहां लोगों की भीड़ एकत्रित हो गई, जिसके बाद मंचले मौके से फरार हो गए। लखनऊ के गाजीपुर थाना इलाके में रहने वाले वंदना मिश्रा को मोबाइल फोन पर जान से मारने की धमकी मिली। पीड़ित की शिकायत के आधार पर आरोपी विष्णु तिवारी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। पीड़ित महिला का आरोप है कि विष्णु तिवारी और उनकी पत्नी ने उनसे 1.5 लाख रुपए उधार लिए थे, लेकिन जब उन्होंने अपने पैसे वापस मांगे तो आरोपी उनसे गाली गलौज पर उतर आया। वाराणसी में एक बाप बेटी की बम से उड़ाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मंगलवार देर रात इस घटना में बाप बेटे दोनों की ही मौत हो गई। घटना चौबेपुर थाना क्षेत्र की है, जहां पहुंची पुलिस के मुताबिक आईडी यानी इम्प्रोवाइज एक्सक्लूसिव डिवाइस का इस्तेमाल कर हत्या की गई है।
संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 20,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार हुआ है। घटना राजपुरा थाना इलाके की है, जहां खेतों में बदमाश के छुपे होने की खबर थी। पुलिस टीम ने बदमाशों की घेराबंदी तो की, बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक इनामी बदमाश अनीस घायल हो गया। कानपुर मेडिकल कॉलेज कैंपस के बाहर जूनियर डॉक्टरों और बाहरी युवकों के बीच जमकर हंगामा हुआ। दोनों पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले, पत्थरबाजी भी हुई। काफी देर तक बीच सड़क पर बवाल, तोड़फोड़ और मारपीट चलती रही, लेकिन पुलिस तमाशबीन बनी रही। फैजाबाद पुलिस ने 40,000 के इनामी बदमाश राकेश यादव उर्फ अक्षय लाल यादव को गिरफ्तार कर लिया है। खंडासा पुलिस और क्राइम ब्रांच ने मुठभेड़ के बाद झांसी के गैंग लीडर को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के पास से पुलिस ने 32 बोरा और एक पिस्तल, 4 जिंदा कारतूस के साथ एक अपाचे गाड़ी भी बरामद की है। मऊ में महिला और उसकी 2 साल की बच्ची की ट्रेन से कटकर मौत हो गई है। जीआरपी ने महिला और उसकी बच्ची के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। एक महिला और उसकी बच्ची की शिनाख्त नहीं हो पाई है। विदेश राज्य मंत्री और गाजियाबाद से सांसद जनरल वीके सिंह ने कवि नगर में रहने वाले कुछ वक्त पहले अफ्रीकी में जाकर बस गए परिवार को मदद की है। अफ्रीका इस परिवार का अपना रेस्टोरेंट है। 26 अगस्त को परिवार के मुखिया सुनील साहनी और उनके 2 बच्चों का अपहरण हो गया था। मामला रेस्टोरेंट विवाद से जुड़ा हुआ है, लेकिन असामाजिक तत्व रेस्टोरेंट पर कब्जा करना चाह रहे थे। सुनील साहनी की पत्नी ने जनरल वीके सिंह से गुहार लगाई। जनरल ने तुरंत एक्शन लेते हुए अफ्रीका में दूतावास के अधिकारियों से संपर्क किया। एशियन गेम्स में भारत की युति चंद ने महिलाओं को 200 मीटर रेस में जीत सिल्वर मेडल हासिल की है। 23.20 सेकंड में पूरी की है ये दौड़। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन आज पूरे देश में खेल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। 29 अगस्त 1905 को इलाहाबाद के जन्मे ध्यानचंद बाद में झांसी आकर बस गए थे, जो अपने शुरुआती दिनों में शौकिया हॉकी खेला करते थे। राष्ट्रीय खेल दिवस पर पीएम मोदी ने ट्वीट करके हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को श्रद्धांजलि दी। पीएम ने कहा कि लोग खेल और फिटनेस को प्राथमिकता दें, ताकि स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। इंग्लैंड के खिलाफ कल से शुरू होने जा रहा है चौथे टेस्ट के लिए टीम इंडिया ने जमकर बहाया पसीना। 5 टेस्ट की सीरीज में भारत 2-1 से पीछे। भारत और पाकिस्तान के सैनिक ने रूस में कंधे से कंधा मिलाकर डांस किया। रूस के चेवार कुल में कई दिनों से चल रहा था आतंकवाद के खिलाफ साझा सैन्य अभ्यास। समारोह में पाकिस्तान के अलावा रूस और चीन के सैनिकों ने भी डांस किया। रेलवे ने बनाया दुनिया का सबसे स्मार्ट कोच। एसी काम न करने पर खुद को भेजेंगे अलर्ट, पानी कम होने पर भी सूचना देंगे। गूगल की भारत में ऑनलाइन कंज्यूमर लोन देने की तैयारी। 4 भारतीय बैंकों के साथ गूगल करेगा करार। ग्राहकों को गूगल पे के जरिए मिलेगा प्री अप्रूव्ड लोन। 4G के बाद अब 5G टेलीकॉम सेवाओं की तैयारियां शुरू हो चुकी है। 2020 की शुरुआत में 5G का कमर्शियल हो सकता है लॉन्च।